दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। बशीर बद्र का ये शेर लगता है इस वीडियो पर बिल्कुल सटीक बैठता है। इस तस्वीर में दो लोगों पर जरा गौर करिए, ये है सचिन पायलट और ये है अशोक चांदना। शनिवार को सचिन पायलट धरियावद में प्रतापगढ़ जिला अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह जी की सुपुत्री के विवाह समारोह में पहुंचे थे, जिसको लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। लेकिन उनके शादी समारोह में शिरकत करने के बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इस तस्वीर के वायरल होने के पीछे कहानी थोड़ी पुरानी है। दरअसल सचिन पायलट और अशोक चांदना दोनों ही कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और एक समय पर दोनों की दोस्ती की खूब चर्चा होती थी। ये दौर था जब कांग्रेस विपक्ष में थी और सचिन पायलट प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 2018 में कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई, दोनों ही नेता गहलोत सरकार में मंत्री बने, लेकिन 2020 में सचिन पायलट ने अपने समर्थित विधायकों और मंत्रियों के साथ मिलकर सरकार से बगावत कर दी। माना जा रहा था कि इस बगावत में चांदना पायलट के साथ रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चांदना ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का साथ निभाते हुए पायलट पर जमकर निशाना साधा। चांदना के इस बर्ताव से पायलट समर्थकों में नाराजगी दिखने लगी और ये नाराजगी खुलकर दिखी किरोड़ी सिंह बैंसला के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से भेजा गया श्रद्धांजलि संदेश पढ़ रहे खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना पर गुर्जर समाज के लोगों ने जूते चप्पल फेंक दिए। मंच पर सीएम का संदेश पढ़ते वक्त हंगामा और नाराजगी देख चांदना का सब्र टूट गया और विरोध करने वालों को सख्त लहजे में जवाब देते हुए बोले कि तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं मैंने। पुष्कर में हुई घटना से आहत चांदना ने सोशल मीडिया पर गुस्से का इजहार किया। पूर्व डिप्टी सीएम और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहे सचिन पायलट को धमकी देते हुए लिखा, मुझ पर जूता फिकवा कर सचिन पायलट अगर मुख्यमंत्री बने तो जल्दी बन जाएं, क्योंकि आज मेरा लड़ने का मन नहीं है। जिस दिन मैं लड़ने पे आ गया तो फिर एक ही बचेगा और वो मैं नहीं चाहता हूँ। जो लोग निरंतर उनके नारे लगा रहे थे, जो लोग उनके नाम से उड़दंग कर रहे थे और उन्हीं लोगों ने ये काम किया है, उसके अलावा जो उनमें काफी लोग हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, वो निरंतर उनके कार्यकर्ता रहे, उनके कार्यकर्ताओं के साथ दिन रात उठने बैठने चलने वाले लोग हैं, तो इसमें कोई ऐसा तो आंखें तो बंद किसी की है नहीं, सबको पता है कि कौन क्या कर रहा है। अब इतना सब विवाद होने के बाद पायलट की ओर से कभी खुलकर या दबी जुबान किसी तरह का पलटवार नहीं किया गया। अब जब राजस्थान में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो चुकी है और कांग्रेस की आपसी कलह पर फिलहाल विराम लगता दिख रहा है, ऐसे में पायलट और चांदना के एक साथ बैठे होने की ये तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है।